फिल्म टेकन 2 का सेट तैयार हो गया है। फिल्म का हीरो लियम नीसन आज ही शूटिंग के लिए इस्तांबुल पहुंचा है। दिन भर की मीटिंग के बाद तय हुआ कि कल सुबह 6 बजे शूटिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए तमाम क्रू जल्द सो जाए। सुबह 5 बजे यकायक एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है। लियम को समझ नहीं आ रहा कि यह आवाज़ कैसी है। 2 मिनट तक ये आवाज़ आती रही और फिर बंद हो गई, चुनाचे लियम फिर सो गया। अगले दिन की शूटिंग ने लियम को थका दिया था और कमरे में आते ही वो सो गया। ठीक 5 बजे सुबह फिर वही आवाज़ आना शुरू हो गई और 2 मिनट बाद बंद हो गई। लियम बड़बड़ाकर फिर सो गया। वो 2 हफ्ते इन्हीं कैफियत से गुजरता रहा, लेकिन अब लियम को इस आवाज़ ने, जिसमें अजीब सी रूह को सुकून दिलाने वाली कशिश थी, तलाशो जस्तजू में लगा दिया कि पता किया जाए यह आवाज़ कैसी है जो ठीक 5 बजे बुलंद होती है। And then when I was doing Taken 2 in Istanbul, the call to prayer, the Muslim call to prayer starts at like 5 o'clock in the morning. So it's an extraordinary sound. Wow. So the first week it was like, second week it was like, oh, it's kind of quite nice. But the third week I was totally captivated by it, loved it. So then I thought maybe Islam's the answer. ये अजान की आवाज़ थी। इस अजान ने लियम के जहन और दिल पर इतना असर डाला कि वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि मैं मुसलमान होने का सोच रहा हूँ। इस्लाम इज़ द आंसर, इस्लाम ही हल है। अब लियम का अपना फ़ैसला होगा कि जिस दीन की सदा ने उसके दिलो दिमाग को झंझोड़ा है, उस दीन हक को वो कब कबूल करता है। लियम ही की तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लेजेंडरी म्यूजिशियन शिनेड ओकॉनर का नफ्स भी सुकून की तलाश में था। उस मशहूर गुलोकारा ने एक इंटरव्यू के दौरान एतराफ़ करते हुए बताया कि उनकी ज़िंदगी बचपन ही से बदसलूकी और तशद्दुद का शिकार रही। डॉक्टर फिल के प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि वो 4 साल जहनी दबाव और अमराज का शिकार होकर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में दाखिल रहीं। एक दफ़ा हिस्टरेक्टोमी के ऑपरेशन के दौरान उन्होंने कई दफ़ा खुदकुशी की भी कोशिश की। इसी कैफियत में उन्होंने अजान सुनी, जिससे उन्हें बड़ा सुकून मिला और उन्होंने YouTube पर एक वीडियो भी अजान पर रिकॉर्ड की, लेकिन बाद में उसको डिलीट कर दिया। इसी सुकून की तलाश ने उन्हें इस्लाम और कुरान तक पहुँचा दिया और बिल आखिर उन्होंने 2018 में इस्लाम कबूल करके मौसीकी को तर्क कर दिया। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा लिंडसे लोहन जिंदगी में शोहरत और दौलत की बुलंदियों को छू चुकी हैं, लेकिन उनकी रूह अब तक सुकून की तलाश में थी। उनका कहना है कि जब वो कुरान पढ़ती हैं तो उनको सुकून मिलता है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन तीनों मशहूर तरीन अशखास की तरह बेशुमार इंसान शोहरत और दौलत की इंतहाई मंजिलें देख चुके हैं, लेकिन उनकी रूहें बेसुकून हैं। वो अपने खालिक की तलाश में सरगर्दा हैं। अब ये मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियों में इस्लाम को कायम करें और हक के मुतलाशी अफराद के लिए नमूना बनें।